ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैरेट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक धमाकेदार रीडिंग लेकर। और आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। मैंने सोचा कि आज आपके शादी के बारे में कुछ रीडिंग कर लेते हैं, ओके। कि आपके जो आपने जो सोचा हुआ है अपनी शादी को लेकर, है ना, कि आपकी शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, ओके। ये दो दो ही होता है शादी का ऑप्शन, ऑब्वियसली, है ना। तो गाइज यहाँ पर ये हुआ है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं आपकी शादी में बाराती बनकर आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, फिर भी मुझे इच्छा बहुत हो रही है कि आपकी शादी के बारे में कुछ रीडिंग कर दे, कुछ प्रिडिक्शन कर दे और मैं यहीं से खुश हो जाऊँ, ओके। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक यही है गाइज कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपके जो पर्सन हैं, जो आपके होने वाले जीवन साथी है, वो कैसे होंगे, ओके, किस टाइप के होंगे, उनका प्रोफेशन कैसा होगा, ये सब कुछ आज हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं गाइस मैं ज़्यादातर टू पाइल रीडिंग करती हूँ, पर आज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें बहुत से व्यूवर्स देखेंगे और यू नो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं थ्री पाइल रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, ओके गाइस, ताकि आप बहुत शांति से अच्छे से चूज़ कर लो। और चूज़ करते वक्त गाइस ध्यान रखना है कि आप कोई गलत पाइल ना चूज कर लो, क्योंकि ये आपकी शादी का सवाल है या गाइस, कहीं गलत इंसान से फिर कहीं किसी गलत इंसान से आपकी शादी ना हो जाए, ओके, अगर आपने गलत पाइल चूज कर ली है तो। बस मजाक कर रही थी गाइस, टेक अ चिल पिल, ओके। तो पाइल चूज करते वक्त बहुत ध्यान से चूज करना है गाइस। देखिए यहाँ पर मैंने आज तीन पाइल रखे हैं, ओके, ताकि आप लोगों को आसानी हो चूज करने में। पहला जो पाइल है वो है ट्रस्ट का, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, ये है पाइल नंबर वन। ये है पाइल नंबर टू, द ड्रीम। द ड्रीम मतलब सपना, है ना, सपना, आपका जो सपना है वो, द ड्रीम, ये है पाइल नंबर टू। और ये है पाइल नंबर थ्री, द लवर्स, देख लीजिए, ये है पाइल नंबर थ्री, ओके गाइज। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया है, मैंने बारी बारी से दिखाया है आपको। अगर आपको पाइल चूज करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप एक या दो या तीन, तीनों पाइल भी आप देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, और जो सबसे ज़्यादा आपको रेजोनेट करेगी उससे आप ले लेना, ठीक है गाइस। पर ये शादी की रीडिंग है, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा होता है ज़िंदगी का वो है शादी, इसीलिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल्स आज रखे हैं ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो, ओके। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन की रीडिंग से, और इन दो कार्ड्स को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ओके गाइस। ये है पाइल नंबर वन, सो स्टे पॉजिटिव गाइस, वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। और देखेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स की शादी कैसे होने वाली है, कहाँ होने वाली है, किसके साथ होने वाली है। गाइस मैंने कर लिया है कार्ड्स की शफलिंग, अब निकालेंगे यहाँ से कुछ कार्ड्स, ओके, और देखते हैं पाइल नंबर वन के लिए क्या निकल के आता है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ओके गाइस। पहला कार्ड आया है जजमेंट का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स,
पैकेज ऑफ वैंस वाओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून पेज ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस गाइज आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ साइन और एलिमेंट बता देती हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा फायर साइन की एनर्जी आई है लियो सेजिटेरियस और एरिस यानी कि सिंह धनु और मेष राशि यहाँ पे अर्थ साइन भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि ऋषभ कन्या मकर राशि और यहाँ पर एयर साइन भी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला और कुंभ राशि ये साइन ज्यादा आए थे तो मैंने आपको बता दिया गाइस ओके सबसे ज्यादा यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी है लियो सेजिटेरियस एरिस यानी कि सिंह धनु और मेष राशि गाइस देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर एडवाइस कार्ड से ये ट्रस्ट ये वाला कार्ड चूज किया था ना तो ट्रस्ट ये दिखाता है गाइस कि आपने इस कार्ड को क्यों चूज किया ट्रस्ट आपने इस कार्ड को इसलिए चूज किया है गाइस क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में या प्रेजेंट में अभी आपके ट्रस्ट को बहुत बार तोड़ा गया है गाइस ओके इसीलिए जो है आपने इस कार्ड को चुना है आपके लाइफ में ट्रस्ट की बहुत कमी है आपने जितने भी लोगों को आपने ट्रस्ट किया उन्होंने आपके साथ हो सकता है कि आपको धोखा दिया है इसीलिए आपने इस ट्रस्ट वाले कार्ड को चूज किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि धोखा बहुत हुआ है आपके लाइफ में गाइस देखिए सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ बता दूं ओके यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल्स यानी कि ये हो आप ओके ये मेल फीमेल के लिए रीडिंग नहीं होती यहाँ पे क्वीन है अगर आप मेल हो तो इसे किंग समझना है ओके मेल या फीमेल कुछ नहीं होता यहाँ पर क्वीन आया है तो इसलिए मैं क्वीन कह रही हूँ ओके आप एक ऐसे इंसान हो गाइस है ना जिसके अंदर बहुत सारा प्यार है बहुत सारा प्यार है एक एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है ना वैसे ही आपके दिल में भी बहुत सारा प्यार भरा हुआ है गाइस पर उस प्यार की कदर किसी को नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए किस तरीके से इस चीज को अपने हाथ में संभाल के रखे हो और आप उसे इतने प्यार से उसे देख रहे हो है ना तो आप ऐसे ही हो है ना आप इंसान को प्यार करते हो किसी को भी प्यार करते हो तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो उस इंसान के साथ ट्रस्टफुल रहते हो उसे उन्हें बहुत प्यार करते हो उन्हें बहुत सपोर्ट करते हो जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है तो आपका नेचर भी यही है पर यहाँ पर क्या हुआ है गाइस कि आपने जितने जितने भी लोगों पर ट्रस्ट किया भरोसा किया जितने लोगों को भी आपने प्यार किया है ना पर बदले में जो है आपको रिटर्न में वो सब नहीं मिला मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका ट्रस्ट इसीलिए आपने ये ट्रस्ट वाला कार्ड चूज किया है कि आपका ट्रस्ट आपका विश्वास बार बार टूटा गया है तोड़ा गया है आपको बार बार बहुत से लोगों से धोखा मिला है यहाँ पर ये मुझे नज़र आया है ओके पहली आपके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना था तो मैंने आपके बारे में बता दिया अब देखिए गाइस आपके लाइफ में वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी है ना वो पर्सन आपको कैसे मिलेंगे मैं ये आपको बता देती हूँ ये पर्सन आपको उस वक्त मिलेंगे गाइस जब आप बहुत ज्यादा टूटे हुए होंगे यहाँ पर देखिए फोर ऑफ सोर्स यानी कि आप किसी रिलेशनशिप से पिछले आपके किसी रिलेशनशिप से आप ब्रेक लेकर बैठे हो है ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो आप टूटे हुए हो है ना बहुत ज़्यादा आप दुखी हो है ना कि आपका सब कुछ आपसे गुम हो गया है आपका रिश्ता टूट चुका है तो उस वक्त इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी जी हाँ ये एक नया इंसान होगा जो आपके लाइफ में आएगा ये आपका पास्ट का बॉयफ्रेंड या पास्ट का आपका कोई रिलेशनशिप ये नहीं होगा गाइस ओके ये फोर ऑफ सोर्स से नजर आ रहा है कि आप ब्रेकअप पे हो और उस वक्त इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होगी ओके और ये इंसान कोई अजनबी नहीं होगा आपके जान पहचान वाला होगा जिससे आप शायद पहले से जानते हो पर आपने उस इंसान को उस नजर से नहीं देखा है हो सकता है कि आपने उस इंसान को फ्रेंड जोन कर रखा हो कि सिर्फ आप एक दोस्त के नज़र से आप उससे बातें करते हो दोस्ती का फीलिंग्स उसके लिए रखते हो और वो इंसान भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक दोस्त के नज़र से अभी भी देखता है ओके पर ये इंसान नया इंसान होगा
इसके साथ आपका कोई भी लव रिलेशनशिप पहले नहीं हुआ होगा, ये नया इंसान है जो आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनकर आने वाला है, ये किसी आपके पास्ट के रिलेशनशिप से नहीं होगा, समझ गए। अब ये इंसान कैसे आएगा आपके लाइफ में, ये इंसान हंसते खेलते मजाक मजाक में आएगा आपकी लाइफ में, मजाक करते हुए। यहाँ पे देखिए द फूल की एनर्जी आई है ना, द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है गाइस की, एक ऐसा इंसान जो बहुत खुश मिजाज होता है, हंसी मजाक करना, खुशियाँ बिखेरते रहना, किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपके साथ होंगे तो आपको भी हंसता मुस्कुराता हुआ बनाकर छोड़ देंगे ये किसी बात की आपको अगर आप दुखी भी होना होने की कोशिश करोगे, आप रोने की कोशिश करोगे, तो ये इंसान आपको हंसा हंसा कर आपको फिर से जो है आपको चेहरे पर हंसी लेकर आ जाएगा, स्माइल लेकर आ जाएगा। बहुत ही मन मर्जी करने वाला, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है ना, इस टाइप की एनर्जी होगी इस इंसान में, द फूल की एनर्जी वाली होगी। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि इस इंसान से भी क्या आप कभी प्यार कर सकते हैं, ये तो किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं या लेती ही नहीं, ये तो हमेशा हर चीज में हंसी मजाक करते हैं, पता नहीं इसकी कौन सी बातों पर यकीन करना है या किस बात पर यकीन नहीं करना है। तो हंसते खेलते आएगा ये आपकी जिंदगी में, जिन्होंने भी पायल नंबर वन चूज किया है। ओके, आपको तो भरोसा ही नहीं होगा कि कब आप इस इंसान के प्यार में पड़ जाओगे। जी हाँ, जिन्होंने भी पायल नंबर वन चूज किया है, यहाँ पर आपकी होने वाली है लव मैरिज। जी हाँ, लव मैरिज होने वाली है आपकी डेफिनेटली। और इस इंसान की मुलाकात आपसे कहाँ पर होगी गाइस, इस इंसान की मुलाकात आपसे हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस है सोशल साइट्स के थ्रू ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो पेज के कार्ड्स आए हैं, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वैंड्स, ये दो एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी कि बहुत चांसेस है कि इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में किसी भी इंटरनेट के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऐसे ही किसी फ्रेंड के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे, कि म्यूचुअल फ्रेंड का ये फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, कहीं पर आपको पार्टी में देख लिया या फिर कहीं पर आपकी इनसे मुलाकात हो गई, ऐसे आप दोनों में पहले दोस्ती होगी और आपको लगेगा ही नहीं कि इस इंसान से आप कब प्यार करने लग गए और ये इंसान कब आपसे प्यार करने लगा, आप दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि आप दोनों प्यार में पड़ चुके हो। ओके, बहुत बाद में आप दोनों को एहसास होगा, क्योंकि हंसते खेलते हंसी मजाक करते करते ही आप दोनों अपने रिलेशनशिप में सीरियस होने वाले हो। ओके, देखिए यहाँ पर जो ये सेवन ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आई थी, ये एनर्जी आपकी पास्ट की एनर्जी है गाइस, ये दिखाता है कि आपका जो पिछला रिलेशनशिप था है ना, वहाँ पर आपका जो ये ब्रेकअप हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, डिसरिस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करना, आर्गूमेंट करना, डिस्कशंस करना, आपकी वैल्यू नहीं करना, तो इन सब तमाम बातों की वजह से ही आपका पिछला रिलेशनशिप टूटा है। ओके, और इसी वजह से आप जब ब्रेकअप में हो तब इस इंसान की एंट्री होगी और ये इंसान आकर आपको बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेगा। ओके, और ये इंसान आपको क्या करेगा गाइस, जजमेंट, यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आया है ना, जजमेंट का कार्ड क्या दिखाता है गाइस, ये दिखाता है कि आपको पास्ट में जितनी भी तकलीफें मिली है, जितना भी दर्द पिछले रिलेशनशिप से मिला है, ये इंसान आकर वो सब हसरतें आपकी पूरी कर देगा, कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। तो आपको ये इंसान प्यार का असली मतलब क्या होता है ये आपकी लाइफ में आकर आपको सिखाएगा, आपको जजमेंट देगा, आपको न्याय देगा, जो कमी रह गई थी पिछले रिलेशनशिप में वो सब ये इंसान पूरी करेगा। आपको आपकी लाइफ में जो आपका ये मुरझाया हुआ चेहरा है ना, इसमें वो बहुत सारी मुस्कुराहट लेकर आएगा, बहुत सारी खुशियाँ ये इंसान भर देगा, क्योंकि इस इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये खुद भी कभी जो है दुखी नहीं रहते और अपने आसपास के लोगों को भी ये बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते। ओके, हंसते मुस्कुराते रहेंगे हमेशा और आपको भी हंसता मुस्कुराता हुआ बनाकर रखेंगे। और ये इंसान एज में, इस इंसान की एज ज़्यादा नहीं होगी गाइस, बहुत यंग एनर्जी यहाँ पर, दो दो पेज का कार्ड आया है ना, ये दिखाता है कि इस इंसान की एज ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही रोमांटिक इंसान होंगे ये। ओके, बहुत ही रोमांस करने वाले इंसान होंगे ये,
आपको हर छोटी छोटी बात पर कॉम्प्लीमेंट करेंगी, आपको खुश रखने के लिए वो सब चीज़ें करेंगी जो एक लवर को या एक हस्बैंड को या एक वाइफ को करनी चाहिए। ओके, तो बहुत ही खुश मिजाज ये इंसान नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये किसी आर्टिस्ट फील्ड से हो सकते हैं गाइस, ओके, कि इन्हें आर्टिस्टिक वर्क्स करना, बहुत क्रिएटिव वर्क करना, क्रिएटिव काम करना बहुत ही पसंद है। जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर ये आर्ट्स करते होंगे, या फिर डांसर होंगे, या फिर सिंगिंग में इनका इंटरेस्ट होगा, तो इसी किसी फील्ड में ये अपने आप को, या फिर आईटी से रिलेटेड हो सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल है ना, क्रिएटिव काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह हो गया है ना, ऐसे क्रिएटिव काम में जहाँ पर इनको मन लगता है वैसे काम से ये रिलेटेड हो सकते हैं गाइस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बिजनेसमैन वगैरह ऐसे नहीं होंगे, गवर्नमेंट जॉब इस तरीके का काम नहीं करेंगे, ये किसी प्राइवेट फील्ड से ही होंगे, पर बहुत ही, जहाँ पर भी होंगे बहुत ही क्रिएटिव काम करेंगे, अपने दिमाग को लगाकर क्रिएटिव वर्क करेंगे और नाम भी कमाएंगे। ओके, हो सकता है कि ये सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा फेमस हो, ऐसे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, कि कोई भी जो ऐप वगैरह होती है उस ऐप में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, तो यूट्यूब वगैरह हो गया, टिकटॉक, टिकटॉकर्स हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, है ना, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्रिएट जहाँ पर इनका नाम होगा, लोग इन्हें पहचानेंगे, ऐसे फील्ड से ये आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ ही यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा करने वाले इंसान होंगे, नास्तिक नहीं होंगे। ओके, नास्तिक नहीं होंगे, इनका श्रद्धा भगवान के ऊपर बहुत रहेगा, और ये चाहेंगे कि आप भी भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने तरफ से भी भगवान पर बिलीव करो, है ना, तो इन्हें आप में वो सब चीज़ें ये खुद भी चाहेंगे कि आप भी वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखो, पूजा पाठ वगैरह, है ना, तो इसमें ये नज़र आ रहे कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानेंगे, किस्मत को बहुत ज़्यादा मानते हैं ये इंसान, ऐसे इंसान होंगे गाइज। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि ये जब आपके लाइफ में आएंगे ना गाइज, आपकी किस्मत पूरी तरीके से ये बदल देंगे, पूरी तरीके से। जो आप में जो कुछ जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस वगैरह रहा है कि आप लोगों पर भरोसा करते हो और आपको धोखा मिल जाता है ना, तो ये आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देंगे गाइस, पूरी तरीके से, है ना, आपकी लाइफ में इतना एक ऐसा ऐसा चेंजेस आपके लाइफ में आएगा, है ना, आपकी किस्मत बदल देंगे, आपकी लाइफ बदल देंगे, और आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप कभी इतने खुश भी हो सकते थे लाइफ में। ओके, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, यहाँ पर ये दो कार्ड से नज़र आ रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है ना, तो ये इंसान आपको दर्द कभी नहीं देंगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा गाइस। ओके, पर क्रिएटिव बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा अपने गुजारे के और आपके गुजारे के लिए ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर देंगे। बहुत ज़्यादा पैसे रुपए इनके पास होगा ये मैं नहीं कह सकती गाइज यहाँ पर। ओके, पर आपको पैसे रुपए से भी ज़्यादा ये आपको इतना इतनी सारी ढेर सारी खुशियाँ ये देंगे कि आपको कभी लगेगा नहीं कि पैसे की वैल्यू क्या होती है आपके लाइफ में, वो कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। जितना कमाएंगे उससे आप दोनों का गुजारा ये आराम से कर लेंगे गाइज। लाइफ में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खुशी, अगर लाइफ में खुशी है तो हम किसी भी चीज़ में हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। अगर खुशी नहीं है, सिर्फ धोखा है, तो लाइफ बदतर हो जाती है ना, तो यही इसी चीज़ को हमें समझना है। तो गाइस पाइल नंबर वन यही थी आपकी छोटी सी रीडिंग। ओके, मैंने देखने की कोशिश की कि ये जो भी जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है, वो लव मैरिज होने वाली है, और मुझे लगता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन नहीं होंगे, कोई नया इंसान होगा जो आपकी लाइफ में आएगा, जो आपके ब्रेकअप के बाद, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है तो उस ब्रेकअप से या किसी भी और दर्द से जब आप गुजर रहे होगे ना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा दर्द के सिचुएशन कोई आया है, उस वक्त इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होगी। ओके, तब आएंगे वो हंसते गाते मुस्कुराते हुए आपकी लाइफ में आएंगे, दोस्त बनकर आएंगे, और पता ही नहीं चलेगा कि कब आप दोनों में प्यार हो गया और कब आप दोनों की शादी हो गई। समझ गए गाइस, तो यही थी आपकी छोटी सी बहुत ही प्यारी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट लाइक शेयर कर देना गाइस। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों का कमेंट आएगा कि नहीं मैम, हमें तो कोई नया नहीं चाहिए, हमें पुराना वाला ही चाहिए। मुझे पता है, पर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है ना।
जो होना है, अगर पास्ट रिलेशनशिप से आपको अगर दर्द ही मिलता है तो इससे अच्छा है कि आपको नए इंसान को चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, खुद को भी खुश रखने का एक मौका तो बनता है ना गाइस, है ना। तो इतना कहते हुए रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज गाइस, अपना रखना है बहुत अच्छा ख्याल। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 द ड्रीम वाला ये कार्ड चूज किया है, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग गाइस, और देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी कैसे होने वाली है, किससे होने वाली है। ओके, ये देखने की कोशिश करेंगे। आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। चलिए गाइस, मैंने कर ली है कार्ड की सफरिंग। ओके, ये नए कार्ड है गाइस, बहुत ज्यादा फिसलते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का दूसरा कार्ड आया है गाइस, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड है गाइज, यहाँ पर दो दो शादी का कार्ड आया है। ओह माय गॉड, तीसरा कार्ड भी शादी का आया है, द हेरोफेंट, देख लीजिए। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक में आया है गाइस, सेवन ऑफ कप्स, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइज। यहाँ पर कुछ साइन और एलिमेंट मैं बता देती हूँ, ये आपके और आपके पर्सन होने वाले पर्सन के साइन और एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा फायर साइन की एनर्जी आई है, लियो सेजिटेरियस एरिस, यानी कि सिंह धनु और मेष राशि है। यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी कि वृश्चिक मीन और कर्क राशि। एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, और अर्थ साइन भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ कन्या और मकर राशि। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी आई है। ओके, लियो सेजिटेरियस और एरिस, यानी कि सिंह धनु और मेष राशि। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करती हूँ आपसे। ये कार्ड दिखा रहा है, ये आपके लिए है ना, ये सभी कार्ड्स आपके लिए है, पर ये आप हो, है ना, ये आप हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक एक ऐसे इंसान हो जो बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि प्यार का इंतजार कर रहे हो, है ना, किसी के सच्चे प्यार का इंतजार आप करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जो प्यार शायद आपको अभी तक मिला नहीं, वो सच्चा प्यार, है ना, वो साथ जीने और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जो एक इच्छा होती है ना, वो इच्छा आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो और प्यार को बहुत ज्यादा अहमियत देते हो। आपके लिए प्यार ऐसा है ना कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज है तो आपके लिए वो प्यार है। आप दूसरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये दिखाता है एक ऐसा इंसान जिसके दिल में दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। वो अपने रिश्ते में 100% एफर्ट लगा देते हैं, जिस रिश्ते में ये इंसान चला जाए अपना 100% देते हैं। ओके, पर रिटर्न में उन्हें वो प्यार नहीं मिलता जितना इन्होंने एफर्ट लगाया होता है। ओके, तो ये आप हो गाइस, जो अभी भी प्यार की तलाश में हो, और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर लव मैरिज करना चाहते हो। जी हाँ, जिस तरीके के आप इंसान हो ना गाइस, आपको प्यार से बहुत ज्यादा प्यार है।
मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल नंबर टू देखकर कि आपको लव मैरिज करने की बहुत ज्यादा इच्छा है। आप चाहते हो कि आपकी जो शादी हो है ना, वो लव मैरिज हो, आप किसी को पसंद करे और आपकी शादी उसी के साथ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आया, तो मैंने बता दिया गाइज। ओके, पर यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है गाइज। देखिए, पाइल नंबर टू जिन्होंने भी चूज किया है, यहाँ पर 90% चांसेस आपके अरेंज मैरिज होने के हैं, 90%। जी हाँ, क्यों मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर सबसे जो शादी का जो कार्ड यहाँ पर आया है, सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ पर ये दिखा रहा है गाइस कि आपकी शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाली है, बहुत ही धूमधाम से। यहाँ पर कोई इंसान देखे घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजा लेकर है ना, ये आपको लेने के लिए आ रहा है या आप उनको लेने के लिए जा रहे हो, है ना, ऐसा नजर आ रहा है। अगर आप मेल हो तो लेने के लिए जा रहे हो, फीमेल हो तो आपको लेने के लिए आ रहा है। तो बैंड बाजा 12 तब बजता है गाइस जब अरेंज मैरिज होती है ज्यादातर केसेस में। ओके, ये पहला कार्ड आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर ये देखिए, फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि यहाँ पर भी जो है मंदिर के अंदर आपकी शादी हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं है ना, और यहाँ पर आप दोनों खुशी से हाथ हिला रहे हो, है ना, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो है अरेंज मैरिज का ही आपका कार्ड निकला है कि आपकी शादी होगी तो अरेंज मैरिज होगी, ये दोनों कार्ड ये इंडिकेट करता है। ओके, अब यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड देख लीजिए, नाइट ऑफ सोर्स भी यही दिखा रहा है कि कोई इंसान घोड़ी पर बैठकर आपकी तरफ आ रहा है, तो ये भी अरेंज मैरिज में ही होता है ना। अरेंज मैरिज का ही सिम्टम्स यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए सिवाय एक दो कार्ड्स के, वो दिखा रहा है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, आपके घर वालों के इच्छा से होगी, यहाँ पर ऐसा नजर आया है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ लोगों के लिए, द हेरोफेंट का भी यहाँ पर कार्ड आया है, ये भी शादी को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए 10% जो व्यूअर्स हो जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है, सिर्फ 10% लोगों के लिए यहाँ पर लव मैरिज होगी। ओके, पर वो भी लव प्लस अरेंज मैरिज होगी। कैसी होगी? लव प्लस अरेंज, कि आप दोनों में प्यार होगा। ओके, प्यार, पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आप दोनों की मुलाकात होगी, हो सकता है कि सोशल साइट्स के थ्रू से आप लोग मिलो, आपकी दोस्ती हो, आप दोनों में प्यार हो, उसके बाद में ये इंसान आपके घर पर रिश्ता लेकर आएगा या आप इनके घर पर रिश्ता लेकर जाओगे अगर आप मेल हो तो, और फिर आपके दोनों परिवार इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी से और आप दोनों की अरेंज मैरिज कर देंगे। यानी कि दोनों ही परिवार राजी खुशी होकर आप दोनों की अरेंज मैरिज करेंगे। होनी तो यहाँ पर अरेंज मैरिज ही है जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज किया है। 90% के लिए अरेंज मैरिज, 10% के लिए लव प्लस अरेंज, कि फैमिली मान गई आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और आप दोनों की शादी कर दी। यहाँ पर द हेरोफेंट भी दिखाता है लव मैरिज को, पेज ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर दिखाता है लव मैरिज को। ओके गाइस, बाकी कार्ड्स यहाँ पर अरेंज मैरिज की ओर इशारा कर रहा है। अब हम बात करते हैं आपके पर्सन की, आपके पर्सन जो होंगे जिससे आपकी शादी होने वाली है, जिसके साथ आपको जीवन बिताना है, जो आपके जीवन साथी होंगे, वो कैसे होंगे गाइस। देखिए, द हेरोफेंट के कार्ड से, द मैजिशियन के कार्ड से और सिक्स ऑफ पैंटिकल्स के कार्ड से और यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स के कार्ड से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे फैमिली से। और फैमिली की बात आप रहने दीजिए, यहाँ पर उनका खुद का ही रुतबा ऐसा ऐसा होगा, उनका खुद का ही स्टेटस ऐसा होगा समाज में कि उनकी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। देखिए, यहाँ पर सिक्स ऑफ पैंटिकल्स दिखा रहा है, ये इंसान कैसे दूसरे लोगों को दे रहा है, गरीबों को कुछ दे रहा है, यानी कि इस इंसान के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, बहुत ही पैसे वाले फैमिली से होंगे ये, और ये हमेशा दूसरों को देते रहेंगे। ओके, इतनी ज्यादा भगवान की कृपा इस इंसान के ऊपर, इस इंसान के सर पर भगवान का हाथ होगा कि इन्हें कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, ये सभी को देते हुए नजर आ रहे। तो ये हो सकता है कि ये इंसान किसी बैंकर, ये इंसान बैंकर हो, बैंक में काम करते हो, किसी लोन डिपार्टमेंट में काम करते हो या किसी हायर पोस्ट पर हो। ओके, जहां पर ये दूसरों को ऑर्डर्स देते होंगे, दूसरों के लिए चेक साइन करते होंगे। ओके, तो इस टाइप के हायर पोस्ट में ये इंसान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पर यही दिखा रहा है, देखिए एक इंसान ऊपर बैठा है और नीचे दूसरे लोग बैठकर इनकी बातें सुन रहे हैं, यानी कि ये जो भी इंसान है ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं गाइस,
ये बिजनेसमैन, क्योंकि पैसे का बहुत फ्लो यहाँ पर नजर आ रहा है, इतना रिस्पेक्ट जो यहाँ पर इनको नजर आ रहा है। या फिर ये पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, कि पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट हो, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह भी ये करते करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, इनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो जिस भी प्रोफेशन में होंगे बहुत ही इनका नाम होगा, बहुत ही रिस्पेक्ट होगी, लोग इनका सम्मान करेंगे, इस टाइप के ये इंसान होंगे। ओके, जो भी है द मैजिशियन, इस इंसान के हाथ में वो जादू होगी, इस इंसान की बातों में वो जादू होगी, जिसे कोई भी इंसान अगर सुन ले एक बार तो इन्हें ना नहीं कह सकता, इनकी बातों को नकार नहीं सकता, इनकी बातों के अगेंस्ट में इस इंसान की कोई नहीं जा सकता। इतने पावरफुल पोजीशन में ये तीनों कार्ड्स आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं आपके जीवन साथी। ओके, और आपकी शादी इनके साथ अगर हो गई तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं रखनी है। जो यहाँ पर आप ये जो पैसे का थैला पकड़ कर बैठे हो ना, ये जिंदगी भर आपके ऐसे ही कदमों में ये बिछा देंगे, पैसे रुपए की आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। पर एक बात यहाँ पर है कि ये इंसान बहुत बिजी होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि इनका जो है समाज में, सोसाइटी में बहुत नाम होगा। ओके, तो हो सकता है कि ये उतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगी। ओके, क्योंकि इनके इनका जो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, दूसरे लोगों के लिए इनका दायित्व बहुत ज़्यादा होगा गाइस। तो इन्हें सबको, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, सबकी बातों को ध्यान देना होगा, है ना। तो ये इक्वल बराबर का बिहेवियर ये सबके साथ करेंगे। ओके, थोड़ी सी टाइम की दिक्कत हो सकती है, या आपको थोड़ी सी बाद में इस बात से प्रॉब्लम होगी, हो सकती है गाइस, कि ये आपको टाइम नहीं देते उतना जितना आपको टाइम मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार प्यार बहुत करेंगे, पर इनका इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होगी ना गाइज, मैंने बता दिया कि ये बहुत ही हायर पोस्ट पर होने वाले हैं, बहुत ही हायर पोस्ट पर। ओके, तो उस पोस्ट को रखने के लिए, उस पोस्ट पर अपना स्थान रखने के लिए भी इस इंसान को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उन सब जगह पर जहां पर इनकी जरूरत होगी। तो हो सकता है कि आपको टाइम ये थोड़ा ना दे पाए बाद में। ओके, इस तरीके का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स भी दिखा रहा है, एक इंसान है जिसके आगे बहुत सारे जेवरात रखे हुए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सब कुछ है यहाँ पर, देखिए, है ना। तो हो सकता है कि इसी वजह से, है ना, आपके आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है बाद में, शादी के बाद में, कि मेरे पास आज सब कुछ है। थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है शादी के बाद में, कि आज मेरे पास सब कुछ है पर मेरे जो पति है या मेरे जो वाइफ है वो मेरे पास नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा घबराहट होने के चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहेगा। इसके आप थोड़ा अनसिक्योर फील करोगे अपने पर्सन को लेकर, है ना, कि आपको तो प्यार ही प्यार चाहिए और ये इंसान आपको थोड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना, शादी के बाद में। तो आप थोड़े चिढ़ जाओगे गाइस इस बात से, और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन आपको जो है ये अपने दिमाग पर बैठा लेनी है, कि ये आपको अगर टाइम नहीं दे पाएंगे तो इसकी वजह ये है कि समाज में, सोसाइटी में इस इंसान का नाम और रुतबा बहुत बड़ा होगा, जिसे मेंटेन करने के लिए इस इंसान को जाना ही पड़ेगा, काम के लिए निकलना ही पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम ना दे पाए। पर ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे ये। ओके, इस बात की गारंटी है। ओके, आपको दुनिया भर की खुशियाँ आपके कदमों पर लाकर रख देंगे ये, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है। और यहाँ पर 90% व्यूअर्स की यहाँ पर अरेंज मैरिज होगी, 10% लोगों की लव प्लस अरेंज मैरिज होगी। ओके, समझ गए गाइस। तो यही थी पाइल नंबर 2 आपके लिए, बहुत ही प्यारी रीडिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ गाइस, कि हो सकता है कि अभी आप, है ना, अपनी पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए हो, है ना, पर मैं चाहती हूँ कि आप किसी दूसरे लोगों को भी एक मौका दो अपने लाइफ में आने का। देखो चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को एक्सेप्ट करना अच्छा होता है। हमेशा पास्ट में, पास्ट की बातें सोचकर, पास्ट की एनर्जी में रहकर अपना लाइफ को ऐसे तबाह नहीं करना है गाइज। ओके, तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आता है तो आपको भी ध्यान देना है, आपको भी सोचना है कि आपका फ्यूचर किसके साथ बेटर होगा। ओके, बहुत ही सोच समझ कर किसी भी रिश्ते को हाँ करनी है, चाहे वो पास्ट का रिलेशनशिप हो, चाहे प्रेजेंट का रिलेशनशिप हो, या फ्यूचर में कोई आने वाला रिलेशनशिप हो। सबसे ज़्यादा आपको अपने दिल की सुननी है,
ओके आपको जो ठीक लगता है आपको वो करना है गाइस। हमने आपको एक गाइडेंस दी है, गाइड कर दिया है रीडिंग के जरिए कि ये होने वाला है और ये होने का चांसेस फ्यूचर में नजर आ रहा है गाइस। ओके तो इतना कहते हुए पाइल नंबर टू मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आप रखिए अपने अपना बहुत अच्छा ख्याल। ओके मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर थ्री चूज किया है द लवर्स का कार्ड, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग गाइस और देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी कैसे इंसान से होने वाली है, कैसा होने वाला है आपका फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, है ना, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इन सब चीजों का आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक गाइस, चलिए गाइस मैंने कर लिया कार्ड्स की शफलिंग। अब निकालेंगे यहाँ से कुछ कार्ड्स और देखेंगे कि आपकी शादी आखिर कैसे होगी। पहला कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड, शादी का कार्ड आ गया है गाइस। विक्ट्री, शादी, घर, वाओ, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, गुड, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, टेन ऑफ कप्स, वाओ वाओ मैन, ब्यूटीफुल, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है गाइस? थ्री ऑफ सोर्ड्स। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। गाइस यहाँ पर मैं कुछ साइन और एलिमेंट आपको बता देती हूँ, ये आपके भी साइन हो सकते हैं और आपके फ्यूचर पार्टनर के भी साइन हो सकते हैं। ओके यहाँ पर सबसे ज्यादा कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। यहाँ पर फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस और एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि। यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पर सबसे ज्यादा यहाँ पे वाटर साइन आया है गाइस। ओके गाइस पाइल नंबर थ्री जिन्होंने भी चूज किया है, मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने लवर्स का कार्ड अगर आपने चुना है ना, तो आप सच में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप किसी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तभी आपने द लवर्स का कार्ड यहाँ पर चूज़ किया है कि आप दिल ही दिल किसी इंसान के को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हद तक प्यार करते हो। ओके इसीलिए ये कार्ड आपने चूज़ किया है। ओके समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, ओके यहाँ पे नज़र आ चुका है, जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो इंसान अभी आपके लाइफ में नहीं है। उस इंसान की तरफ से आपको यहाँ पर चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, आपका दिल बुरी तरीके से टूटा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो। यहाँ पर दो कार्ड्स यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स जो आया है, मैं हमेशा कहती हूँ सैड एनर्जी ऑफ द कार्ड्स, है ना, पाइल में जो सबसे, सॉरी, टैरेट में जो सबसे सैड एनर्जी होती है वो फाइव ऑफ सोर्ड्स की होती है। तो अभी आप इस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत ज़्यादा आपको लॉस हुआ है, ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी लाइफ से कोई चीज़ चली गई है। ओके मैं आपकी अभी प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ गाइस, सुनिए ध्यान से सुनिए, आप इस एनर्जी में हो अभी जिन्होंने भी पाइल नंबर थ्री चूज किया है। ओके मैंने पहले दो रीडिंग की थी गाइस, कहीं पर भी ये एनर्जी नहीं आई, लवर्स की कार्ड में ये एनर्जी आई है, आपके सामने ही मैंने कार्ड शफलिंग करके निकाले हैं। तो आप अभी एक दर्द में हो, एक पेन में हो, आपसे कुछ चीज़ गुम हो चुकी है जिसे आप बेसब्री से उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, है ना, अपने आप को अंधेरे में रखा हुआ है, आपको किसी चीज़ में मन नहीं करता। यहाँ पर इस बात को प्रूफ कर दिया है यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड ने कि आपका दिल बहुत, किसी ने दुखाया है, बहुत आपको हर्ट किया है, आपको छलनी किया है, आपके सीने पर तलवारें किसी ने चलाई है। आप किसी से प्यार करते थे, जिस इंसान ने आपको हमेशा इग्नोर किया है, आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपको बहुत ज़्यादा, यू नो, हमेशा
आपके फीलिंग्स को इग्नोर करना सेवन ऑफ सोर्स ये दिखाता है, फीलिंग्स को इग्नोर करना, आपको इग्नोर करना, आपके 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 साथ रिश्तों को इग्नोर करना, आपको कमिटमेंट नहीं देना, ये सब चीज़ें उस इंसान ने आपके साथ की है। ओके, ये यहाँ पर साफ हो चुका है कि आप अभी एक ब्रोकन रिलेशनशिप में हो, कि आपका रिलेशनशिप टूट चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ गाइज, देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज किया, सॉरी जिन्होंने भी पाइल नंबर थ्री चूज किया है, उनके लिए मैं आपको ये बता दूं गाइज कि आपकी शादी लव मैरिज होने वाली है, आपकी शादी लव मैरिज होने वाली है और उसी इंसान से होने वाली है जिसने आपका दिल तोड़ा है। जी हाँ, जो इंसान अभी आपका दिल तोड़कर आपसे दूर हुए हैं, यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पर नजर आई है, जिस इंसान का आप इंतजार कर रहे हो, जिस इंसान ने हमेशा आपको इग्नोर किया है, आपको दर्द दिया है ना, उसी इंसान से आपकी शादी होगी, वही इंसान वापस आपके लाइफ में आएगा। एस ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि वही इंसान वापस आपके लाइफ में आने वाला है। मैंने यहाँ पर कही आपको कि आपकी लव मैरिज होगी और वही इंसान यहाँ पर वापस आएगा, ये मैंने क्यों कह दिया गाइस, ये मैंने इसलिए कह दिया गाइस कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि प्यार का, कप्स की एनर्जी दिखाता है प्यार को, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है ना, और यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, ओके, तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी ज्यादा आई है यानी कि प्यार, और यहाँ पर आपकी सैड सैड एनर्जी आई है यानी कि आप किसी से प्यार करते हो और आपको प्यार में मिला है धोखा, समझ गए। और यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स क्या दिखाता है गाइस, ये दिखाता है कि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है, आपका कोई सपना है, कि एक इंसान है जिसके साथ आपने बहुत से सपने देखे हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ना गाइस ये, तो आपकी आपके सपने में कौन है, वही इंसान है जिसके साथ आपका अभी शायद रिश्ता नहीं है, जिसके साथ आप दूर हो गए हो, आप चाहते हो कि यही इंसान आपके लाइफ में आए। और यहाँ पर भी शादी के कार्ड में टेन ऑफ कप्स ही आया है, दैट मीन्स यही विश आपकी फुलफिल होने वाली है उसी इंसान के साथ जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, उसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, वो इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में। और यहाँ पर देखिए फोर ऑफ कप, फोर ऑफ वैंड, फोर ऑफ वैंड दिखाता है एक विक्ट्री को, एक जीत को, कि आप का जो रिलेशनशिप था आपके पर्सन के साथ में, उस रिलेशनशिप की जीत होने वाली है और यही इंसान आपके लाइफ में आएंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन शादी का कार्ड होता है फोर ऑफ वैंड्स, विक्ट्री को दिखाता है, शादी को दिखाता है, एक खुशहाल परिवार को दिखाता है ना। और इस इंसान के साथ जब आपकी शादी होगी, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुश होगे, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत आप दोनों में होगा, भले ही आप दोनों का पास्ट ठीक नहीं था, बहुत से दर्द यहाँ पर मिले हैं आपको उनकी तरफ से, पर यही इंसान वापस आपके लाइफ में, एस ऑफ सोर्स दिखा रहा है वापस यही इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में और आपके साथ शादी करेंगे। और यहाँ पर सबसे जो लव मैरिज को सबसे ज़्यादा जो कार्ड दिखाता है वो है द हेरोफेंट का कार्ड, यानी कि आपकी लव मैरिज होगी और उसी इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो। अब आप किससे प्यार करते हो ये आपको सोचना है गाइस। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, यंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, है ना, कि ज़्यादा एज इनकी नहीं है, बहुत स्मार्ट है, क्रिएटिव है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक्स वाले होंगे ये आपके जीवन साथी, जो आपके पर्सन है। ओके, यहाँ पर कोई नया इंसान यहाँ पर नहीं आने वाला, यहाँ पर वही इंसान आने वाला है जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जिसके लिए आपने विश मांगी है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जीतना चाहते हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स आया है, ये दिखा रहा है प्यार की, जिससे आप प्यार करते हो उसी के साथ आपकी शादी होगी और उसी के साथ आपका घर परिवार भी बनेगा। ओके, हेरोफेंट के कार्ड ने क्लियर कर दिया कि आपकी लव मैरिज होगी और आपके पर्सन सुधर कर आएंगे। ओके, हेरोफेंट के कार्ड से ये दिखाता है कि थोड़े स्पिरिचुअल होना, अपने आप को हील करना, थोड़ा भगवान की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होना, भगवान की तरफ, भगवान के शरणों में जाना, तो ये इंसान डेफिनेटली आएंगे। ओके, आपकी तरफ वापस आएंगे और इसी इंसान से आपकी शादी होगी, जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड चुना था, तो जो कार्ड चुना है रीडिंग भी वैसे ही बिल्कुल आई है। फिलहाल अभी के लिए प्रेजेंट एनर्जी में आप यहाँ पर हो, हर्ट सिचुएशन में हो, ये दोनों कार्ड देख लीजिए, पर बहुत जल्दी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं इस इंसान को लेकर, वो पूरी होगी और आप इस सैड एनर्जी से निकलोगे और आपके पर्सन भी सुधर कर आपके पास आएंगे, एक अच्छा सा ऑफर लेकर आएंगे, आपको शादी का प्रपोज करने के लिए आएंगे।
समझ गए गाइस। तो बहुत ही प्यारी रीडिंग निकली है गाइस। ओके, अगर आपको पसंद आई हो तो क्या करना है गाइस, आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, मुझे बहुत खुशी हुई इस रीडिंग को देखने के बाद में, क्योंकि कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है प्यार को। और यहाँ पर शादी का ही सब कुछ कप्स का ही निकला है, पेंटिकल्स भी नहीं आया, यहाँ पे कप्स ही निकला है। देखिए, आपका विश, आपका शादी, उस इंसान के लिए आपका तड़पना है ना, उसी इंसान के साथ आपका जीतना और उसी इंसान का वापस आपके लाइफ में आना, ये तय नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, सो जिन्ना ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। तो ये थी रीडिंग गाइस, मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। आपको अपना रखना है बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय।